आपने लिया अकिन भैया? प्रोग्राम है हमारे मंदिर कमेटी सैनी कॉलोनी के वरिंदर जी हैं, हमारे जी भाई साहब हैं, ये भाई साहब हैं, और यहाँ पे नीचे सेक्टर ए का मंदिर है, शर्मा मैडम हैं, जितने भी हमारे सैनी कॉलोनी के जो लोग हैं जो हमें गुप्त दान देते हैं मंदिर की सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए, आज उनके योगदान से जो है हमने जो है ये शिविर लगाई है, ठंडा पानी, सॉफ्ट और जितना भी इंतजाम हमसे हो सकता था हमने कोशिश की है लोगों को थोड़ी सी राहत देने की इस गर्मी के समय में। जैसे कि हम सब जानते हैं आज योगा डे है और प्रधानमंत्री जी का कहना है कि योगा जो है ये स्वस्थ रखता है मनुष्य को, और उसी कड़ी में आज योगा भी हुआ है हमारे सैनिक कॉलोनी का पूरे भारतवर्ष में, और साथ ही यह शिविर भी लगी गई है, और साथ ही फिट इंडिया के तहत हमारे सैनिक कॉलोनी में लड़कियों का भी आज हमने टूर्नामेंट करवाया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत बेटी को हर क्षेत्र में आगे लाओ उसका भी हमने कोशिश की है बेटियों को आगे लाने की। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था 21 जून को 28 साल के ऊपर के जितने भी हमारे नौजवान हैं उनको कोविड फ्री इंजेक्शन दिया जाएगा, जिससे कि जो महामारी फैली है उसको हम जड़ से ख़त्म कर सकें। इसलिए पूरे भारतवर्ष में आज 18 से ऊपर साल को हमारा इंजेक्शन भी लग रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो तीसरी लहर आने वाली है वो ना आए और हमारा जो है पूरा टीकाकरण पूरा हो जाए और हमारा जो भारत है एकदम कोविड फ्री हो जाए और हम फिर से नॉर्मल लाइफ जिए। लेकिन फिर भी हमें पूरा पूरा ध्यान रखना है, हमने ये मुंह पे अपना मास्क लगा के रखना है और पूरा SOP का पालन करना है, और ताकि अगर हम SOP का पालन करेंगे हम अपना तरीके से लाइफ जिएंगे तो फिर ही ये इस बीमारी से हम महामारी से मुक्ति पा सकेंगे। इसलिए मेरा सबसे यही कहना है कि कृपा अपना अपना SOP का ध्यान रखें, और एक बार फिर से मंदिर कमेटी के जो सारे मेरे जो भाई हैं खासकर गुरिंदर जी और इनके साथी जम्बाल साहब जी हो गए, बाली साहब हो गए, हमारे भाई साहब हैं, जब भी कुछ कार्य होता है सेवा का धर्म का ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और मुझे खुशी है कि हम सब मिलकर ये कार्य करते हैं। मैं इन सब का भी धन्यवाद करती हूँ और सैनिक वाली वासी का भी धन्यवाद करती हूँ जो हमें समय समय पे योगदान देते हैं। जय हिंद, जय भारत।